वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ इम्तियाज अहमद। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि मल्टीप्लाई 6 by 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/6। मल्टीप्लाई यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना, किसका रेसिप्रोकल से, किसके रेसिप्रोकल से? बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/6, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ। तो मल्टीप्लाई 6/13, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल। तो बाय द रेसिप्रोकल मीन्स क्या हुआ कि उसका रेसिप्रोकल करना। जैसे माइनस यहाँ पर देखेंगे -6/13 मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल किससे करना है? -7/6। इसका रेसिप्रोकल कितना बनता? तो 6/7। साइन हमेशा माइनस ही होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस माइनस प्लस। 6 का कितना हो गया? 36। 6 का 36, 37 का 91, 37 का कितना हो? 91। यही आंसर है। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल किसका? -7/6 का रेसिप्रोकल 6/7। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट प्रॉपर्टी अलोन। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 4/3। कंप्यूट आपने पढ़ा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि a इंटू b मल्टीप्लाई बाय c पढ़ा आपने, इज इक्वल टू, यहाँ मैंने क्या किया, b और c को एक साथ रखा मटेरियल ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c को मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया। तो बताइए आपको पता ना, अब इसमें देखें इस तरह का क्या करना है। जैसे यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 1/3 क्या ये इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 इनटू 4/3। ठीक है, अब क्या किया, a इनटू b मतलब ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 और 4/3 को सेपरेट कर दिया। समझ गया, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? बिल्कुल सही, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हम लिखेंगे क्या